नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित अय्यर है। आज की हम क्लास करेंगे केमिस्ट्री की एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि क्या होता है अणु, और वो सबसे सूक्ष्म पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट किसी को बोलते हैं अणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या होता है एटम। तो सबसे छोटा पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट होता है एटम। तो इसकी जो खोज की थी उन्होंने की थी जॉन डेल्टन ने की थी। सबसे छोटा जो होता है किसी भी मैटर का, चाहे वो सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था मैटर। मैटर मतलब कोई भी पदार्थ। पदार्थ किस तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। अभी हम लोग चीज़ों को तोड़ तोड़ को माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे। मतलब ये जो सॉलिड निकला था, लिक्विड निकला था, गैस निकला था, अब इसको भी तोड़ देंगे। सॉलिड को भी तोड़ेंगे तो हमको क्या निकलेगा? जब तोड़ते जाएंगे जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा वो क्या मिलेगा? एटम। वो क्या मिलेगा? एटम। तो सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो गया? एटम। और किसने दिया था? जॉन डेल्टन ने। तो ये क्वेश्चन इससे आप तैयार कर लीजिए, एटम की खोज किसने की थी? जॉन डेल्टन ने। अब इसमें कुछ बातें बताई थी इन्होंने। तो सबसे पहली बात क्या बताई थी? बोला था कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम होता है। तो इन्होंने पहली बात ये बताई थी। दूसरी बात ये बताई थी कि जो ये एटम होता है ना, ये जो एटम होता है, ये ना तो बन सकता है और ना ही ये विनाश हो सकता है। यानी कि ना ही इसको बनाया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इन्होंने सबसे पहले ये दो बातें बताई। तीसरी बात क्या बताई कि भैया जैसे एक बॉल ले लें, कोई लोहे की बॉल ले लेते हैं, इसका जो आइटम निकलेगा, एक छोटा सा पार्ट जो आइटम निकलेगा, अब ये मान लीजिए आयरन है, ये लोहे का एक बॉल है, लोहे का गेंद है, इससे हम तोड़ तोड़ के एक ऐसी स्थिति पे आ जाएंगे कि टूटना पॉसिबल नहीं होगा। वो क्या होगा? एटम होगा उसका छोटा। तो इन्होंने क्या बताया कि जो ये एटम का जो छोटा पार्ट है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी का मतलब होता है विशेषताएं, ये सारी की सारी वही सारी विशेषताएं दिखाएगा जो इस बड़े से बॉल की है। मतलब अगर ये बॉल किसी चुंबक के पास आएगा तो ये जो चिपक जाएगा, तो वैसे ये भी चिपक जाएगा। ठीक है, ये अगर पानी डालने में जंग लगेगा तो इस पे भी जंग लग जाएगा। बोलेगा कि इसमें टेम्परेचर अगर बढ़ाने में ये हीट हो जाएगा, जल्दी हीट हो जाता है, जैसे हमें लोहे की दीवार है, लोहे का जो गेट होता है वो गर्मियों में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो ये अगर इसमें ताप बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो ये भी बड़ा हो जाएगा। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि आइटम वो सारी की सारी प्रॉपर्टी वैसे ही रखता है जैसे कि पूरा का पूरा एक गेंद रखता है। तो जिससे वो पार्ट निकला हुआ है, जिसका भी आइटम होगा, वो एकदम सारी प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि मान लीजिए एक लीटर, जैसे एक दूध है, लिक्विड की ले लेते हैं, ये सॉलिड का एग्जांपल है, एक लिक्विड है, दूध है। अब 5 लीटर दूध है, इसमें से हमने मान लीजिए 5 ग्राम दूध निकाल लिया, एक छोटा सा ग्राम निकाल लिया दूध, तो इससे भी चाय बन सकता है, इससे भी चाय बन सकता है। अब इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो सारे इस 5 ग्राम की भी दूध की प्रॉपर्टी होगी। अगर इससे निकला दूध है और अगर एक ही तापमान में रखा गया है, तो जितने तापमान में ये फटना चालू हो जाएगा दूध, उतने ही तापमान में ये भी फट जाएगा दूध। लेकिन बशर्ते क्या है शर्त इसमें? कि इसी से निकला हुआ हो, ये नहीं कि दो अलग अलग पैकेट लेके आप बता दें। ठीक है, केवल इसी दूध से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। गैस का भी ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन गैस जो काम करेगा, वही 10 हाइड्रोजन गैस भी काम करेंगे, कोई फर्क नहीं है ऑक्सीजन में, बस मात्रा में कम हुआ है। बस कहने का मतलब इन्होंने क्या बताया था? मात्रा में कम हुआ है। मान लीजिए कोई इतना बड़ा सिलेंडर है ऑक्सीजन का और इतना छोटा ऑक्सीजन का जो एक कैप्सूल है, दोनों ऑक्सीजन ही है, दोनों एकदम सेम है, बस वो कम क्वांटिटी में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, कहने का मतलब यही है। तो एटम के पहले में पहला क्या बताया? सबसे सूक्ष्म पार्टिकल कोई होता है तो वो एटम होता है। किसने? जॉन डेल्टन जी ने बताया था। दूसरा पार्ट क्या बताया उन्होंने? ना ही ये बन सकता है, ना ही ये विनाश हो सकता है। तीसरा पार्ट क्या बताया था इन्होंने? जितना प्रॉपर्टी बड़े वाले मैटर का होगा, वही सेम प्रॉपर्टी एटम की भी होगी।
ठीक है, इसी के अंदर सारी चीज़ें हैं। मतलब प्रॉपर्टी कहने का मतलब सब कुछ है, इसी में कहेंगे कि जितना मतलब क्या कहते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ इन्होंने बताया था जॉन डेल्टन जी ने। अब आता है इनके बाद क्या है, इसके बाद आए एक साइंटिस्ट आए क्रूक, विलियम क्रूक आए। विलियम क्रूक आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ट्यूब लिया, ठीक है, एक ऐसा ट्यूब लिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, यहां पे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहां देखा ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, यहां पे एक प्लेट लगा दिया इन्होंने और इसके अंदर मरकरी भर दिया, मरकरी भर दिया और प्रेशर इसका याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर क्या कर दिया इसका 0.01 mm, किसका, मरकरी का। मरकरी को बोलते हैं Hg, ये भी याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है। प्रेशर इसका ये कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जितने भी निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी, तो क्या होने लगा कि एक बीम क्रिएट हो गई, ठीक है, एक कैथोड, एक रे प्रोड्यूस हो गई। रे मतलब होता है एक तरंग, तरंग एक निकलने लगी, ठीक है, एक तरंग निकलने लगी और इसमें वोल्टेज कितना किया, 10,000 वोल्टेज का सप्लाई जैसे ही दिया, इसमें 10,000 वोल्टेज का सप्लाई दिया इन्होंने, तो क्या हुआ, एक तरंग निकलने लगी, ठीक है, एक तरंग, उस तरंग का इनको इन्होंने नाम दिया कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे नाम दिया, क्या नाम दिया, कैथोड रे इन्होंने नाम दिया उसका, कैथोड रे। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब इन्होंने यहाँ से बैटरी से कनेक्ट किया था और 10,000 वोल्ट की बैटरी जब लगाई थी और प्रेशर 0.01 mm किया था, तो यहाँ निगेटिव से तरंग निकलने लगी थी पॉजिटिव, निगेटिव को उन्होंने नाम दिया था कैथोड और पॉजिटिव को नाम दिया था एनोड, ठीक है। एनोड किसको बोलते हैं, पॉजिटिव को, कैथोड किसको बोलेंगे, माइनस को, तो इसलिए इसका नाम दे दिया कैथोड रे, ठीक है। हालांकि इन्होंने ये काम करके चले गए, इन्होंने आगे कुछ ऑब्जर्व नहीं किया और इसके बारे में इनका समाप्त हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि भैया जब ये विलियम क्रूक चले गए इतना सब खोज करके, तो एक आदमी आते हैं जिनका नाम होता है जे थॉमसन, जिसके बारे में आप जानते हैं, जे थॉमसन, उन्होंने इसको देखा, इस सिस्टम को देखा कि प्रेशर उन्होंने 0.1 mm Hg का किया था, वोल्ट उन्होंने 10,000 वोल्ट का बनाया था, इसको कैथोड नाम दे दिया था, इसको एनोड नाम दे दिया था, तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज से एक रे निकलने लगी जिसका नाम कैथोड रे था, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक प्लेट लगा दिया, एक प्लेट लगा दिया अलग से, प्लेट मतलब एक प्लेट है जिसका साइन है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक ऊपर प्लेट लगा दिया इन्होंने, मैं ये मिटा देता हूँ, यहाँ पे एक प्लेट लगा दिया जिसका चार्ज है निगेटिव चार्ज। अब उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से जो रे जो जा रही थी वो एकदम यहाँ से सीधे ना जाके यहाँ झुक गई, ऐसे जाके यहाँ झुक गई पॉजिटिव के तरफ झुक गई। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, देखा कि ये जो रे जा रही है भैया कैथोड रे से, जो ये माइनस चार्ज, अब यहाँ पे एक प्लेट लगाने के चक्कर में क्या हुआ कि सारी की सारी इसके तरफ झुकने लगी, यानी कि निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव के तरफ झुकाव हो रहा है, तो कोई ऐसा पार्टिकल जरूर है मरकरी के अंदर, ऐसा कोई पार्टिकल है जो कि उससे भी छोटा है, मतलब एटम से भी छोटा एक चीज और है, एक ऐसी चीज है जो कि पॉजिटिव के तरफ झुकाव कर रही है, क्योंकि एक तो Hg जो है वो पूरा एटम है, एटम लिया था उन्होंने Hg, मरकरी का एक एटम लिया था, उन्होंने देखा कि यार पॉजिटिव के तरफ झुकाव हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, तभी तो झुकाव हो रहा है, तभी ना ये पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका उन्होंने नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इधर पे भैया इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, किसने की, जे थॉमसन ने खोज की, और किससे के थ्रू की, कैथोड रे। अब कैथोड रे को इन्होंने नाम दे दिया कैथोड रे ट्यूब,
कैथोड रे ट्यूब, जिसको बोलते हैं सीआरटी। अब आपने सुना होगा, देखिए एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, ये आपने देखा होगा, अगर आप 80 के दशक के बच्चे हैं तो जरूर आपने देखा होगा, ऐसे बनाता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये क्या है? टीवी है, पुराने ज़माने वाला, जिसके आगे पीछे निकला रहता था। तो इसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर भाषा में? सीआरटी टीवी। ये कौन सा टाइप का टीवी है? सीआरटी टीवी। तो यही है भैया सीआरटी का फुल फॉर्म, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, इसमें क्या होता है? बम्बार्डिंग होती है, मतलब कि इसके अंदर से किरणें जमती थी, यहाँ से कैथोड रे लगा होता था, यही ट्यूब इसके अंदर लगा रहता था और वो यहाँ पे हिट होती थी और उसके माध्यम से पिक्चर डिस्प्ले होती थी। तो ये कैथोड रे ट्यूब पे वर्क करता था टीवी। तो एक सबसे सिंपल क्वेश्चन आपसे फिजिक्स का बन सकता है कि टीवी किस पे काम करती है, तो सीआरटी। तो मैं दोनों चीज़ों को कवर करके चल रहा हूँ, क्योंकि यही जो सीआरटी है, जो जन्मदाता है सीआरटी के, वो जे जे थॉम्सन है, उन्होंने नाम दिया। हालांकि विलियम क्रुक ने काफ़ी काम कर दिया था, लेकिन हम लोग साइंटिस्ट लोग सब लोग जो किताब है, एनसीईआरटी की किताब है और बाकी आईसीएसई बोर्ड की किताब है, वो जे जे थॉम्सन को क्रेडिट देती है, क्योंकि उन्होंने और चीजें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके उसका नामकरण कैथोड रे ट्यूब इन्होंने किया था, ठीक है, और इसको डिस्चार्ज ट्यूब, उसी का यूज करके सीआरटी टीवी बनी थी, ठीक है। ये क्या होता है? इसमें मरकरी का बम्बार्डिंग होती है तो ये इसमें डिस्प्ले करता है। इसीलिए कभी कभार आपने देखा होगा अगर पुराने ज़माने का टीवी, तो लाइट जाने पर या फिर टीवी ना आने पर झिलमिल झिलमिल आता था और उससे आवाज़ आती थी, खिर करके आवाज़ आती होगी, एक बादल जैसा ऐसे ऐसे आकृति बनती थी पहले के टाइम में। जो बड़े टीवी आपने देखे होंगे पुराने ज़माने में, उसमें ऐसे ऐसे झिलमिल झिलमिल आते थे और लोग उसको भी बड़े चाव से देखा करते थे एक ज़माने में, आजकल तो तुरंत कॉल हो जाता है। तो वो किस वजह से होता था? इसी के वजह से, क्योंकि वो चार्ज जो है वो उस पर डिस्प्ले हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो उस पर डिस्प्ले हो रहा है वही आवाज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीआरटी का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब का निर्माण किया था। हालांकि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है कैथोड रे ट्यूब के बारे में, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेशर रखा गया था 0.01, ये जरूर याद करिएगा, और वोल्टेज रखा था 10,000 वोल्ट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तीसरा इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉम्सन ने, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बात तो हो गई, अब इसी चीज को देख के भैया इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, इन्हीं सब कुछ चीज़ों को देखा और एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीनर, उन्होंने देखा ये कैथोड को आपने यहाँ पे किया, एनोड को यहाँ किया, इन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लगा हुआ है कैथोड रे, यहाँ पे इन्होंने लगा दिया कैथोड रे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक एनोड लगा दिया, एनोड मतलब पॉजिटिव साइन वाला, यहाँ पे एक प्लेट लगा दिया, यहाँ से कैथोड रे था माइनस था वापस और यहाँ पे तो प्लस था। तो उन्होंने क्या किया कि गोल्डस्टीन ने क्या किया, यहाँ पे एक एनोड लगाते ही क्या हुआ कि कैथोड से जितने भी निगेटिव चार्ज हैं वो इधर भागने लगे, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। यहाँ से जितने भी कैथोड में आप निगेटिव चार्ज हैं, उन्होंने देखा था जे जे थॉम्सन ने निगेटिव चार्ज, उन्होंने यहाँ पे प्लेट लगाया था, इन्होंने ये प्लेट यहाँ पे लगा दिया, एनोड प्लेट एक यहाँ लगा दिया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट लगा दिया। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज के यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगे, तो वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे भी भैया कुछ जा रहा है, इस तरफ से भी कुछ जा रहा है। तो उन्होंने देखा, अरे नहीं नहीं भैया नहीं, एक और छोटा पार्टिकल होता है, एक छोटा पार्टिकल और है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है केवल, उसमें एक चीज और है जिसका नाम क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज की, किससे की,
किससे की, एनोड। अब इसका नाम क्या दे दिया, अब ये क्या हो रहा है, एनोड की तरफ भाग रहा है, तो इसका नाम दे दिया एनोड रे। इस नाम को क्या दे दिया, एनोड रे। पिछली बार कैथोड रे, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एनोड रे पे कौन सा घात होता है, तो याद रखिएगा पॉजिटिव घात होता है। कैथोड रे में पूछेगा कौन सा साइन होता है, तो निगेटिव साइन होता है, तो कैथोड या निगेटिव साइन वाला, एनोड जो कि पॉजिटिव रे, तो पॉजिटिव वाला प्रोटॉन होता है, इसीलिए प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है और इलेक्ट्रॉन के नीचे निगेटिव साइन होता है। ठीक है, इसकी जन्मदाता पॉजिटिव साइन के थ्रू हुई है, तो ये पॉजिटिव साइन प्रोटॉन हुआ और हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पे कहानी इधर पे खत्म होती है। गोल्डस्टीन आते हैं, उन्होंने प्रोटॉन की खोज की, और इससे पहले जे.जे. थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आते हैं, ये क्या करते हैं, रदरफोर्ड जो आते हैं वो क्या करते हैं कि भैया देखते हैं आइटम जो था, डेल्टन ने जो दिया था आइटम, हमें बोला था सबसे सूक्ष्म पार्ट है, उसके बाद आए आपका जे.जे. थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, फिर आए गोल्डस्टीन जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की, तो उन्होंने कहा कि खाली प्रोटॉन नहीं आता भैया, खाली प्रोटॉन नहीं आता, उन्होंने एक संरचना बनाई, इसी को कहते हैं परमाणु की संरचना। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि भैया चार ऐसे होते हैं ब्लॉक, और उसके बीच में एक होता है न्यूक्लियस, नाभिक, किसी भी एटम का नाभिक होता है, ये पूरा नाभिक होता है, इसके सबसे छोटा पार्ट होता है नाभिक। ठीक है, यही नाभिक जो है, यही आपने देखा था, गोल्डस्टीन को बोला यही चीज आपने देखा था, यही चीज भागते हुए, ये जो न्यूक्लियस होता है छोटा सा नाभिक जिसको कहते हैं, यही, इसी के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है न्यूट्रॉन भी होता है। तो उन्होंने किसकी खोज की, नाभिक की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की। उन्होंने कहा ये न्यूक्लियस है एक छोटा सा, जो सबसे छोटा पार्ट है, न्यूक्लियस जो है वो सबसे छोटा पार्ट है, ना ही इलेक्ट्रॉन है ना ही एटम है, सबसे छोटा क्या है, न्यूक्लियस है, सबसे छोटा क्या है, पूरे एटम का सबसे छोटा पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है। उन्होंने क्या नाम दिया इसको, के, इसको एल, इसको एम, इसको एन, के एल एम एन, चार याद कर लीजिएगा, के एल एम एन, ये चार शेल होते हैं, उन्होंने कहा चार शेल होते हैं भैया, के एल एम एन, इसके बाद एक आता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, याद रखिएगा न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। अब उन्होंने क्या बताया, ये न्यूक्लियस है, इसी के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, ये जो चक्कर लगा रहा है यही है इलेक्ट्रॉन आपका, ये जो ऊपर जो चक्कर लगा रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस है, वो ही उसी के चक्कर लगा रहा है, यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया, सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस तो हो गया, लेकिन उन्होंने बोला था गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन है सबसे छोटा, तो उन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस सबसे छोटा पार्ट है, इसी के चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद आते हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, के एल एम एन हम लोग को दिया, एक हम लोग को पहली बार डायग्राम का पता चला, सबसे पहली बार आइटम का डायग्राम बनाना हम लोग सीख लिए, कि इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस की खोज करके इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। इसके बाद आते हैं चैडविक ने क्या किया, जब रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया और उन्होंने एक न्यूक्लियस की खोज की, तो उन्होंने एक चीज यहाँ पे देखा कि ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में उन्होंने क्या किया कि इसमें उन्होंने इस न्यूक्लियस को बहुत तेजी से ऊर्जा देने की कोशिश की, ऊर्जा जैसे ही दिया तो हुआ क्या कि भैया यहाँ पे एक बड़ा सा
एक आइटम लिया और इस पर ऊर्जा देके इसके वो फेंक दिया उसके ऊपर, ठीक है। अब ये क्या था, एक आइटम था जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, तो उन्होंने देखा यहाँ से भैया तीन चीज निकला, ऐसे। तब उन्होंने देखा कि ये जो तीन चीज निकला है, जब टूट के निकला है पूरा आइटम, एक आइटम दूसरे आइटम से जब उन्होंने जोर से फेंक के देखा, तब उन्होंने देखा तीन चीज निकला है। तो उन्होंने देखा ये जो ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट किया है, जो कि जे थॉमसन ने देखा था और पाया था, तो वो क्या बताया था उन्होंने, इलेक्ट्रॉन है जो पॉजिटिव की तरफ झुकाव करता है, और यहाँ एक निगेटिव की तरफ से झुकाव हो रहा है जो कि गोल्डस्टीन ने देखा था, ऑब्जर्व किया था, जो कोई क्या था प्रोटोन है। लेकिन एक बीच से निकलती हुई एक रेखा जो तेजी से निकल जा रही है, सबसे सुपर फास्ट है, उसका नाम उन्होंने दे दिया न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर से निकला है न्यूट्रॉन, जिसके अंदर ना तो पॉजिटिव घात होता है ना ही निगेटिव, वो बिल्कुल घातलेस होता है, मतलब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता। तो उन्होंने क्या बताया कि न्यूट्रॉन जो है वो सबसे तेज है, ना तो इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा है ना तो प्रोटॉन है, सबसे छोटा न्यूट्रॉन है। और ये खोज किसने की, चैडविक ने खोज की इसकी, ठीक है। उन्होंने बताया न्यूट्रॉन सबसे तेज है क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होता है ना ही निगेटिव। अब मान लीजिए यह कैसे पता करेंगे न्यूट्रॉन सबसे तेज क्यों है, अब मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, तीनों रेस लगा रहे हैं, बीच में इस तरफ इलेक्ट्रॉन की गर्लफ्रेंड खड़ी है, यहाँ पे प्रोटॉन की गर्लफ्रेंड खड़ी है, भाग रहे हैं तीनों। अब ये गर्लफ्रेंड की तरफ झुकाव कर दिया, यहाँ पे ये भी गर्लफ्रेंड की तरफ झुकाव कर दिया, वो जीत जाएगा, वो पहले पहुँच जाएगा, तो न्यूट्रॉन सबसे तेज भाग जाएगा क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सीधे से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा झुकाव करेगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, सीधे जा रहे थे सब लोग, तीनों सीधे जा रहे थे, ये झुकाव कर लिया, ये भी झुकाव कर लिया और निकल गया। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो आपको ये आशा करते हैं ये समझ में आया होगा न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। अब एक एक रिवाइज कर लेते हैं, सबसे छोटा आइटम की खोज किसने की, डेल्टन ने की। डेल्टन ने तीन बात बताया कि ना तो आइटम बन सकते हैं ना ही बिगड़ सकते हैं, आइटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सारी प्रॉपर्टियां सेम रहती है। फिर आते हैं जे थॉमसन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, फिर वही सारी बातें उधर पे भी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ना ही बन सकता है ना ही विनाश हो सकता है, सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। फिर आते हैं गोल्डस्टीन, जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की। फिर आते हैं रदरफोर्ड ने पूरे न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है। उसके बाद आते हैं चैडविक ने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी होता है न्यूट्रॉन भी होता है, जिसके सारे चारों ओर चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, और इस पूरे संरचना को क्या कहते हैं, एटम परमाणु संरचना, ठीक है। तो ये हमें लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, ये छोटा सा वीडियो है, तो आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।